अपने बच्चों को क्यों रखें टिकटॉक से दूर। आखिर टिकटॉक पे ऐसा क्या है कि पूरा देश चाहता है उस पर बैन लगा दूं। मद्रास हाईकोर्ट से खबर आई, हाईकोर्ट ने कहा केंद्र सरकार से टिकटॉक पर बैन लगा दो। आखिर क्यों कहा हाईकोर्ट ने ऐसा? उसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि टिकटॉक पर परोसे जा रहे हैं अश्लील वीडियो, भद्दी कॉमेडी, भैया जोक्स जो टिकटॉक पर बेतहाशा वायरल होते हैं। कोई भी वीडियो देखकर आपका बच्चा पड़ सकता है गंदी संगत में। आप अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी हो गए हैं कि आपको पता ही नहीं होगा कि आखिर टिकटॉक है क्या, लेकिन आपके बच्चों को ज़रूर पता होगा। दरअसल टिकटॉक पर 15-15 सेकंड की वीडियो बनाई जाती हैं, यूज़र अपना मुंह चलाता है और वीडियो बन जाती है। इसमें समय के साथ बहुत से बदलाव भी हुए हैं, इसमें ब्यूटी इफ़ेक्ट्स, फिल्टर मोजी, ये सब चीज़ें आ गई हैं। इन सभी के साथ आप किसी और की वीडियो के साथ भी अपनी वीडियो जोड़कर बना सकते हैं। टोटली टाइम पास की चीज़ है जो बच्चों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करने में पूर्णतः सक्षम हुई है। अब जब ये इतना फेमस हो गया है तो देश के 1 अरब से ज्यादा लोग इस ऐप का यूज कर रहे हैं। आपने म्यूजिकली के बारे में तो सुना ही होगा। दरअसल टिकटॉक का नाम पहले म्यूजिकली ही हुआ करता था, जो पहली बार चाइना में सन 2014 में लॉन्च हुआ था। बाद में 2017 में बाइडांस नाम की एक कंपनी ने इस म्यूजिकली को खरीद लिया। बाइकडांस पहले से अपना एक ऐप चला रही थी जिसका नाम था टिकटॉक। बाइकडांस ने इस ऐप म्यूजिकली का नाम बदलकर टिकटॉक रख दिया। मदुरई के एक एडवोकेट मधु कुमार ने मद्रास हाईकोर्ट में टिकटॉक को लेकर अपील की थी। उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि टिकटॉक से बच्चों का शोषण हो रहा है, लोग टिकटॉक पर फेमस होने के लिए आत्महत्या तक कर रहे हैं। आपने टिकटॉक से जुड़ी कुछ दिनों पहले एक खबर सुनी होगी, जिसमें बताया गया था कि शाहजहांपुर का एक लड़का जो बीकॉम कर रहा था टिकटॉक पर वीडियो बनाते वक्त तमंचे के साथ पकड़ा गया, पुलिस केस हुआ और जेल जाना पड़ा। अब चलते हैं जनवरी पर। जनवरी में तमिलनाडु के विरुधुनगर में 4 लड़कों ने एक फिल्मी डायलॉग पर पुलिस स्टेशन में एक वीडियो बनाया। पुलिस ने इसे अपनी बेइज्जती मानते हुए डायलॉग की भाषा में अपशब्द खोजे, AIT के एक्ट की पास की धारा 66 लगाते हुए जेल भेज दिया। तमिलनाडु की ही एक और खबर में थिरुथानी के पास वेंकट नाम रमन नाम के लड़के का मर्डर हो गया। जांच पड़ताल से पता लगा कि उसने अपने दोस्त के साथ टिकटॉक पर एक वीडियो बनाकर डाला था, जिसमें एक खास कम्युनिटी के लिए अपशब्द कहे गए थे, जिससे सामाजिक विवाद हुआ। विवाद फैसले के कारण लड़का घर से फरार हुआ, एक दूसरे पर दोष पड़ा, जिसके चलते दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी। कि किस तरह टिकटॉक के जरिए बच्चों की मानसिकता खतरे में जा रही है, वे अपने भविष्य के बारे में तक नहीं सोच पा रहे हैं। उनकी सोचने की शक्ति इतनी कम हो गई है कि वे आज अपने सही और गलत का फैसला तक नहीं कर पा रहे हैं। आइए अब हम आपको बताना चाहते हैं कि इन सभी बातों पर टिकटॉक का क्या कहना है। टिकटॉक ने अपनी सफाई देते हुए कहा है कि हम तो जिस अपने सारे कार्य कानून के दायरे में रहते हुए ही करते हैं, और कहा कि आगे जो फैसला कोर्ट का होगा उसके अनुसार कार्य करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि सेफ्टी बढ़ा सकते हैं। यदि किसी यूजर को या शासन प्रशासन को कोई भी बात खराब लगती है तो वह रिपोर्ट करके वैकनिज्म का सुधार देते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि टिकटॉक के बारे में सरकार का क्या कहना है या सरकार क्या सोचती है। सरकार अपने नियम कायदों के दायरे में रहते हुए हाईकोर्ट का फैसला पढ़ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये मामला देख रही है। उसके अफसरों के अनुसार कोर्ट का फैसला लागू करना थोड़ा मुश्किल है। के अनुसार जो पार्टी या टिकटॉक फैसले से प्रभावित होगी उसे कोर्ट जाना चाहिए, सरकार को इस मामले से दूर रहना चाहिए। दूसरी तरफ गूगल का कहना है कि हमें भी सरकार की तरफ से इस तरह की कोई सूचना नहीं मिली है। अब देखना यह है कि आखिर क्या होता है टिकटॉक के विषय में हाईकोर्ट का फैसला। या तो टिकटॉक में सुधार किया जाएगा या टिकटॉक हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए बंद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।